वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2022 न्यू बजाज पल्सर 125 की, जो आती है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और लुक के साथ। बात करेंगे इस बाइक के प्राइस के बारे में और माइलेज क्या देने वाली है। फुल डिटेल रिव्यू इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं इस बाइक के ग्राफिक्स से, तो पहले पल्सर 3D में लिखा देखने को मिलता था, लेकिन अब 2022 मॉडल में पल्सर आपको स्टिकर फॉर्म में लिखा देखने को मिलेगा। साथ ही रेड कलर की लाइनिंग और एक्स सिंबल भी देखने को मिलेगा, जो कि ग्रे कलर में दे रखा है। देखने में ये बाइक काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। करूँ कलर ऑप्शन की, तो इस बाइक में आपको 3 कलर मिलने वाले हैं, सोलर रेड, नियॉन सिल्वर, नियॉन ग्रीन कलर। अभी आप देख रहे हैं वो है सोलर रेड कलर। वेरियंट की बात करूँ तो इस बाइक में आपको 2 वेरियंट मिलने वाले हैं, सिंगल सीट एंड स्प्लिट सीट। इसके अंदर भी आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक ड्रम वेरिएंट और डिस्क वेरिएंट। अभी आपके सामने है स्प्लिट सीट डिस्क वेरिएंट, जिसका दिल्ली एक्सप्रेस में प्राइस है 85,270 रुपये। आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलती है, साथ ही दोनों साइड इंडिकेटर भी देखने को मिलते हैं। ऊपर वाइजर पर बजाज कंपनी का लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि सेम पहले वाली पल्सर की तरह ही है। की बात करूं दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जो कि सीएट कंपनी के हैं। 80-17 इंच के ट्यूब टायर मिलते हैं, 240 mm का डिस्क देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन दे रखा है। बात करूं इंजन की, तो 2 बल्ब ट्विन स्पार्क DTS टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो 124.4 cc का इंजन मिलता है, जो 11.8 PSP की पावर प्रोड्यूस करता है और 10.8 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है 125 cc में। साथ ही 5-speed गेयरबॉक्स मिलता है इस बाइक में। किक और सेल्फ दोनों ऑप्शन इस बाइक में दे रखे हैं, नीचे काफ़ी अच्छा वैली कॉल दे रखा है। की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा माइलेज ये बाइक प्रोड्यूस करती है 125 cc सेगमेंट में, 60-70 किलोमीटर का माइलेज ये बाइक देने वाली है। पीछे की, तो सीएट कंपनी के ट्यूब टायर मिलते हैं। टायर साइज की बात करूँ तो 190/17 इंच के मिलते हैं, 130 mm का ड्रम सेटअप मिलता है। बात करूँ सस्पेंशन की, तो ट्विन गियर शॉक सस्पेंशन मिलने वाला है। की बात करूं तो सेम पहले वाली पल्सर जैसे ही टेल लैंप दे रखी है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। की बात करूं तो सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों आती हैं। अभी आप देख रहे हैं स्प्लिट सीट, जो कि काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करती है। पीछे 125 cc का स्टिकर लगा देखने को मिलेगा। टैंक की बात करूं तो काफ़ी मस्कुलर फ्यूल टैंक दे रखा है, पहले जैसा ही सेम देखने में लगेगा। 11 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। टॉप स्पीड की बात करूं तो 100 की टॉप स्पीड रहने वाली है। वेट की बात करूं तो 140 kg का वेट इस बाइक में देखने को मिलेगा। साथ ही साड़ी गार्ड भी दे रखा है। एडजस्टेबल फुट स्टेप मिलते हैं, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताना ये बाइक आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।